अलवर के नगली सर्किल पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की पूर्व संध्या पर मोमबत्ती जलाकर नर्सिंग दिवस सप्ताह की शुरुआत की गई। इस मौके पर नर्सिंग कर्मी सहित पीएमओ भगवान साय और नर्सिंग एसोसिएशन के नव निर्वाचित सदस्य भी मौजूद रहे। 12 मई को नाइटिंगेल फ्लोरेंस का जन्मदिन है, उसकी पूर्व संध्या पर हम नंगली सड़क पर कैंडिडेट जलाने के लिए आए हैं और यह कैंडिडेट जलाने का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं। कल का कार्यक्रम हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे और कल ही साथ में हमारा नर्सिंग एसोसिएशन का अभी चुनाव होकर चुका है, उसकी नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी है। मैं स्वास्थ्य के लिए कि सभी लोगों के स्वास्थ्य की कामना करना चाहता हूँ, सब लोग स्वस्थ रहें, सभी नर्सेज मरीजों की भरपूर सेवा करें और पूरे देशवासी पूरे भारतवासी सब लोग स्वस्थ रहें। कल 12 मई को सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। हर वर्ष 12 मई को नर्सिंग डे का बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस नर्सिंग डे के पूर्व संध्या पर आज सभी जो नर्सिंग स्टाफ है ये कैंडल प्रज्वलन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नर्सिंग डे के उपलक्ष्य पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही हमारे जो नर्सिंग समुदाय है इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। ये हमारा नर्सिंग स्टाफ खूब तरक्की करे, खूब हमारे देश में अपने कैरियर का नाम रोशन करे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। वहीं शनिवार को आईएमए हॉल में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया। आईएमए हॉल में हुए इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर नव निर्वाचित नर्सिंग एसोसिएशन के सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में पीएमओ भगवान साय गुप्ता, कर्मचारी नेता मूलचंद गुर्जर और नर्सिंग स्टाफ आदि मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस है और आज का दिन हम लोगों ने सुबह से लगे हुए हैं, बल्कि ये 6 तारीख से 12 तारीख तक एक वीक के रूप में मनाया जाता है, नर्सेस वीक के रूप में। और आज के दिन नर्सेस की जो जन्मदात्री थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के, उनको याद किया जाता है, उनके कार्यों को उनसे प्रेरणा लेके आगे काम करने के लिए तैयार करते हैं। आज हमारी जो कार्यकारिणी है नवनिर्वाचित, उसको उनको भी आज शपथ ग्रहण था उनका।